आज विजिलेंस विभाग द्वारा निजी ट्रांसपोर्टरों पर नुकेल कसते हुए निजी बसों के रूटों, समय सरणी और कागजों की जांच की गई। आज सुबह से ही विजिलेंस विभागी गाज निजी ट्रांसपोर्टरों को पकड़ने पर ही उनमें अफरा तफरी मच गई, जिस कारण नाकाबंदी के ही 15 के करीब बसों का चालान किया गया। पर उसके बाद निजी ट्रांसपोर्टर माफिया हरकत में आ गया और बसों को गांवों के रास्ते ले जाना शुरू कर दिया। नाके तक केवल वही गाड़ियां पहुंच रही थी जिनके कागज आदि पूरे थे। इस अवसर पर एसपी विजिलेंस तिलक राज ने बताया कि ऊपर से आदेश आने के बाद निजी ट्रांसपोर्टरों के विरुद्ध आज नाकाबंदी करके बसों के रूटों, समय सरणी और कागजों की जांच की गई। उन्होंने बताया कि करीब अब तक 70 बसों की चेकिंग की जा चुकी है और करीब 15 बसों के चालान काटे गए हैं। उन्होंने बताते हुए कहा, किसी भी हालत में गलत ढंग से चलाई जा रही बसों को बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी ऐसे ही चेकिंग जारी रहेगी। ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੈਕਿੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਰਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 12-15 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੇ ਹੇਮੰਤ ਨੰਦਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਸ ਕੇ ਲੀਏ।